फ्रेंड्स, आप सभी का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताया था बीए बीएचयू बीएचयू बीए एंड सोशल साइंस में जो कोर्सेज आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको ले आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको लास्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रोवाइड किया था। अभी आपको आज वीडियो जाने वाला था स्टोन एज का, लेकिन वो इसलिए नहीं गया क्योंकि आज पूरी कंटिन्यू वीडियो लगी हुई थी, 8 वीडियो, तो प्लेस नहीं मिल पाया, टाइम का गैप, वीडियो टाइमिंग, इसलिए नहीं गया। और दूसरी एक शिकायत है आप लोग से ये कि आप लोग वीडियोज़ को कंटिन्यू देख भी नहीं रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे नहीं तो फिर आपकी प्रिपरेशन होगी कैसे? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि फ्री की वीडियो मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अदरवाइज़ प्लीज़, अगर आपको समझ में आए कि हाँ चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाय द वे, जो आज का मेरा वीडियो है वो है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर दूँ, ये चीज़ बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतर का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, जिससे कि फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में इजी हो सके, ठीक है? तो जो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है, ठीक है? ये है आपका ग्लोब, ठीक है, और आपका ये है 0° देशांतर, सॉरी अक्षांश, 0° अक्षांश बोलते हैं या विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि उत्तर, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब ऐसे ऐसे जाता रहता है, ऊपर तक नीचे नीचे ऐसे फैला हुआ है, तो बोल रहा है ना कि उसको क्या बोलते हैं, तो कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको आपसे पूछूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त, मतलब ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? चलिए बताइए, पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा आर्कटिक रेखा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब मैं इसका आंसर देता हूँ, पूछ रहा है कौन सा बृहद सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल कौन बनाता है? तो भूमध्य रेखा, मतलब 0° अक्षांश, ठीक है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो बीच में रहता है। अब देखिए, फिर है थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित से क्या है? तो इसमें अब ऑप्शन देखिए, एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम, ठीक है, और उसके बाद है आपका 23.5° उत्तरी अक्षांश, 23.5° दक्षिणी अक्षांश। बताइए क्या है? देखिए, फिर से मैं आपको मैं बनाता हूँ, ये आपका है 0° अक्षांश, ठीक है, 23.5° उत्तर में क्या है? कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5° दक्षिण में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है? तो 23.5°, इसमें से ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, उत्तरी अक्षांश। चौथा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है? देखिए, ध्रुवों की तरफ अक्षांश व्यास प्रवृत्ति कैसी होती है? सिंपल सी बात है, इसके पहले ऑप्शन आपको बता दूं, स्थिर, घटता है, बढ़ता है, पहले और पुनः बढ़ता, फलांड का, ऐसे 4 ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, आंसर सही जा रहा है आप लोग का, सही है, सही है। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये 0° क्या है? 0° अक्षांश है। अब भाई, ऊपर आप जाओगे तो क्या होगा? घटता ही जाएगा ना, घटता ही जाएगा, नीचे आएंगे घटता ही जाएगा, तो इसका आंसर घटता हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, भूमध्य सुमेलित करना है, ठीक है, तो आप, मैं इसका बस सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, आप सीधे अपना देख लीजिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ कि इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, भूमध्य रेखा है तो सीधे 0° अक्षांश हो जाएगा, कर्क है तो 23.5 कौन सा? उत्तरी, ठीक है, मकर है 23.5 दक्षिणी, फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन मैच करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आंसर बताइए, अच्छा ठीक है, तो पांचों का बताइए क्या होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ। और एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करके जल्दी से इसको आप शेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जल्दी से वीडियो पे आ जाइए, और प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिए। धरातल पर 1° अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? देखिए, 1° अक्षांश की दूरी पूछ रहा है, आप समझ रहे हैं? देखिए, देखिए, मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, जो लोग भी वीडियो देखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखिए, 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब हर एक अक्षांश के बीच में पहले पैरेलल रेखाएं होती हैं, और इसमें 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है, और ये बराबर होता है सब में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहाँ था, ये है 111 किलोमीटर। सातवां, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन से अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? आंसर दीजिए इसका, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, क्या होगा, कौन है जो 2 भागों बराबर बांटती है? तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई अक्षांश नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बराबर भागों बांटती है, बराबर में कौन बांटती है, 0° अक्षांश। आठवां क्वेश्चन देखिए, बस मोबाइल इधर कर दीजिए आप, ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मकर रेखा
किसी किसी की शिकायत होती है कि वीडियो सर चल नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप अपना नेटवर्क सही कीजिए, वो थोड़ा मोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको मैप होना चाहिए, तो एक बार प्लीज़ आप एक ऐसा मैप लीजिए, मीन्स वर्ल्ड मैप लीजिए जो ऐसे बना हो, जिसमें ऐसे ऐसे साउथ, ठीक है, उत्तर, दक्षिण कॉन्टिनेंट, यहाँ पे अफ्रीका हो, यहाँ पे एशिया हो, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे सभी कॉन्टिनेंट हो, और यहाँ से ऐसे आपका कर्क रेखा, आपका यहाँ पे विषुवत रेखा, फिर यहाँ पे आपका मकर रेखा ऐसे जाए, जिससे कि उसके लाइन पैनल सभी देश का आपका नाम पता हो लगभग, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि बोल रहा है ना मकर रेखा अथवा दक्षिणी अक्षांश में से कहाँ से होकर, चलिए ठीक है इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से, आठवां कहाँ से होकर गुजरती है, आठवां आंसर आप लोग दीजिए। नौवां, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, जिसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दूंगा या फिर मैं आपको उसको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। मकर क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है कहलाती है। भाई ये तो बहुत ईजी है, मैं बता चुका आपको भूमध्य रेखा, और हाँ ये सभी लाइनें कैसी हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है, स्टडी के लिए बनाई गई हैं, जिससे आपको किसी स्थान का प्लेस टाइम पता हो सके। दसवां क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के एक बिंदु को कोणीय ध्रुव को जो कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण एक बिंदु को कोणीय ध्रुव जो है पृथ्वी के केंद्र को मापती है, भूमध्य रेखा में मापी जाती है, कर्क रेखा मकर रेखा मापी जाती है, भूमध्य मापी जाती है। चलिए दसवां आंसर बताइए, एक दो तीन में क्या होगा, एबीसीडी में चलिए आंसर दीजिए, ठीक है, मैं इसका कमेंट में आप लोग के साथ ही इसका आंसर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग बताइए। ग्यारहवां क्वेश्चन, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, बताइए क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, देशांतर, ठीक है, क्योंकि ऐसे हो जाएगा आपका पृथ्वी और इस मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, इसको जोड़ने वाली बता रहा है, तो अब देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड रेखा कैसी होती है, ऊपर से नीचे होती है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बता दूँ आपको, लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा है, ठीक है, जो पृथ्वी पर ऐसे लेटी रेखाएं होती हैं उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो लंबा होता है ऐसे खड़ा उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग, ग्रामा बच्चा बता दी, ठीक है। बरावा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित से किसके नाम से जानी जाती है, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए इसका बहुत अच्छा ये बताइए आप लोग, बताइए तो बेल्ट, गोरे, काले, समपेट, बताइए क्या होगा इसका, समपेटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोरे, GORE, ठीक है। अगर ये तो देशांतर का पूछा है, अगर मैं पूछूं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हाँ आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा जोन, ZONE, क्या होगा, जोन, ठीक है। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर जो दूसरे देशांतर के बीच की कितना समय अंतराल होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय पूछ रहा है, कितना होता है, 4 मिनट, सही आंसर है 4 मिनट, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा वो उसका सही आंसर दे लगा लेंगे, ठीक है। चौदहवां, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, भाई ये बहुत ईजी है, मैंने अपने लेक्चर में कई बार इसका जिक्र भी किया है। देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश होता है इस पर क्या होता है, समांतर बराबर होता है, समांतर मतलब क्या होता है, जैसे दिन रात की अवधि पूछ रहा है ना, हाँ दिन रात क्या होगा, भूमध्य रेखा, ठीक है, ठीक है, क्या है, भूमध्य रेखा। अब देखिए, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किया जाता है, भाई ये भी बहुत ईजी है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर उच्चतम होगा, ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किया जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, आप लोग के साथ ही हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। 15 का 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, मैं बताऊंगा नहीं कि सही है कि गलत है, ठीक है। आगे चलिए, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा कोणीय दूरी को उच्च स्थान का देशांतर कहा जाता है, ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम ध्रुवों के शून्य होती है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी 113.3 किलोमीटर होती है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर क्या होगा, ए क्या है, असत्य, कितनी होती है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, 360, ठीक है, 80 ऊपर, सॉरी 180 ऊपर, 180 नीचे, 18 × 36, 360। 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए, तो 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, ये भी वही है, सेम प्रोसेस है, इसमें बताइए, जो लोग वीडियो देखे होंगे उसका आंसर सही लगाएंगे। 17 बताइए, ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी स्थान की प्रधान उत्तर कोणीय उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है,
ठीक है, और सभी देशांतर रेखाएं बृहद भित्त कहलाती हैं। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, 18 देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, दो अक्षांश रेखाओं, ये तो फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑलरेडी एमएम ने बता रखा है। ठीक है, आई होप कि इसका आंसर आप लोग दे लेंगे। ठीक है, चलिए अब 19 और 20 देखिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। देखिए ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देशांतर, ठीक है, पूछ रहा है 1 डिग्री देशांतर की सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे कौन सी रेखा होती है, ये वाली कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य या विषुवत। ठीक है, तो इसी पर तो होगा, तो ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, विषुवत रेखा सी। ठीक है, कुछ अक्षांश, हाँ क्या कुल अक्षांशों की, मतलब पूछ रहा है नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है, लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड की संख्या। भाई इसका आंसर बहुत ईजी है, आप लोग बताइए क्या होगा, 66 है, 90, 180 है, 360 है, क्या होगा बताइए। हाँ सही है, 180। अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि नहीं गलत है ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, हम अभी लाइव भी हैं। देशांतरों की संख्या कितनी, अब देशांतरों की पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इजी क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर भी आप जल्दी बताइए क्या है, 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, विषुवत रेखाओं के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समांतर, ठीक है भाई, विषुवत रेखा कौन सी होती है, ऐसे हो गया पृथ्वी, विषुवत रेखा ए है। ठीक है, पूछ रहा है विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, बताइए क्या कहलाती है, ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर, मध्यान, ग्रीनविच। आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। भाई ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्रुव को मिलाने क्वेश्चन, मतलब ए है उत्तरी, ए है दक्षिणी, इसको मिलाने रेखा क्या बोलते हैं। भाई जो खड़ा है उसे क्या बोलते हैं, आप बताइए, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा, क्या बोलते हैं बताइए इसका आंसर, 23 का। आगे चलिए 24, प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, हर कोई जानता है इसको, बताइए सिडनी से, ग्रीनलैंड से, इलाहाबाद से या ग्रीनविच से, बताइए क्या आंसर है इसका। हाँ, जीएमटी, मैं क्लू दे दिया। आगे चलिए 25, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। जीरो, बताइए क्या है, 0 डिग्री देशांतर, अक्षांश, 180 क्या है बताइए, क्या है बताइए, मैं इसका क्लू दे दिया आप लोग को। आगे चलिए, मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पहले आप देखिए एक चीज तो आप जान जाइए, मकर चाहे कर चाहे विषुवत, ये तीनों ही ऐसी रेखाएं हैं जो कि एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट से जरूर गुजरती है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, कौन सा, अफ्रीका, अभी मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। खैर ठीक है, तो इसमें जो देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के होंगे उससे चांस ज्यादा बनते हैं। फिलीपींस कहाँ है, था इसको मैप में देखिए आप लोग, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि आप लोग आप बता लेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं बता पा रहे हैं एक बार उसको मैप में जाके जरूर देख लीजिएगा, 26 क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका देखिएगा, इसका आंसर फिलीपींस होना चाहिए। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। ठीक है भाई, देखिए पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, एक घंटे में, पहली बात पृथ्वी पूरा कितना देशांतर घूमती है, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री की उठती है। अगर एक घंटे की बात करें तो इसमें चार किसके भाग दे देंगे आप लोग, ठीक है, 15 का, एक 60 का। ठीक है, मतलब एक घंटे में, सॉरी देखिए क्या है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, एक घंटे में, तो मैं बात कर रहा हूं कि पहली बात तो 24 घंटे में कितना घूमती है, 24 घंटे में कितना घूमती है, 360। तो एक एक निकालने के लिए 360 में 24 का भाग दे दीजिए, काटेंगे कितना निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 12, 18, 20, क्या निकलेगा, 15। ठीक है, तो 15 डिग्री। आगे चलिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है बताइए, क्या हो जाएगा, 90। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजर, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज मैप अपने मैप आप रखिए अपने रूम में और मैप से स्टडी कीजिए कि एटलीस्ट आपको कैप्रिकॉन और कैंसर और आपका इक्वेटर, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है पता होना चाहिए। इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग, 29 का, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है बताइए जल्दी से। ठीक है, 30वां देखिए, मैं आपको लास्ट में आंसर शीट भी दिखा दूंगा इसका, लेकिन प्लीज अभी आप कंसंट्रेट कीजिए वीडियोस पे। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत किया गया है। देखिए कर्क रेखा आपको पता ही है क्या है, मकर रेखा आपको पता ही है, ठीक है, लग रहा है आपको पता चल भी गया होगा कहाँ गलत है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पता ही है आपको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होता है, ठीक है, हाँ सही है, चलिए अच्छा ठीक है। हाँ, दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है आपको पता चलेगा, इसमें गलत क्या है,
हाँ चलिए ठीक है, मैं इसका आपके पीछे आंसर करूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसीलिए बोल नहीं रहा हूँ, इसमें से आपको सही बताना था। हाँ चलिए देखिए 31 देखिए, देशांतरी धुरी एक घंटे के समयांतरल के बराबर होता है, जैसे देशांतरी ठीक है एक घंटे, तो ये तो अभी जस्ट निकाले थे हम लोग 15 डिग्री, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, भाई ये बहुत ही ईजी है, मुझे लग रहा है इसका आंसर तो कोई बता सकता है, क्योंकि नेपाल का लोकेशन तो पता ही होगा आपका कहाँ पे है, सिंपल सी बात है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, ठीक है, इसलिए आज मैं आंसर कम दे रहा हूँ ना, क्योंकि आपके पीछे मैं आंसर करता जाऊंगा, जब आपके 3-4-5 लोग के कमेंट आएंगे तो मैं बताऊंगा। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है आपका 33 जो है 33 का ए बता रहा है, ठीक है, 30 से 40 के बीच में ज्यादा भू धरातल है, ठीक है 30 से 40 के बीच में, ठीक है। इसी पर मैं एक और डिस्कस कर लूँ आपका अश्वच्छांश के बारे में, तो कहाँ से अश्वच्छांश कहाँ पे, मैं आपको स्टोरी भी बताया था, जिसको नहीं पता है प्लीज जाकर वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री, और यहाँ पे उसके जस्ट ऊपर 35 डिग्री, तो 30 से 35 के बीच में जो 5 डिग्री आ रहा है ना, ये है अश्वच्छांश, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं इसे, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। तो कहने मतलब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसी दरमियान में बता है क्या व्यापारी पौने और पौनों के लिए यहाँ पे घोड़े का व्यापार किया जाता था, क्योंकि पहले जो नाव चलती थी वो पाल लगा के चलती थी, ठीक है, ऐसे उस पर लगा रहता था जिसके हवा से दरमियान चलती थी, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हवा का बहाव तेज होने की वजह से नाव डगमगाने लगती, डूबने का चांस ज़्यादा, तो घोड़े जो व्यापार में घोड़े जाते थे उन घोड़ों को इसी समुद्र में फेंक देते थे, तो इस एरिया में फेंकने इसका नाम क्या रखा गया, इस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए, मेरा वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है ना, प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी वाला वीडियो देखिए, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा ठीक है। मानचित्र पर निम्नलिखित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, दोनों समांतर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुव पर मिलती है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ सही है बी, ठीक है क्या हो जाएगा 34 का बी। आगे चलिए, यहाँ पर दिन और रात समान, कहाँ पर दिन रात बराबर होता है, भाई ये तो सबको पता है दिन रात कहाँ बराबर होता है, ठीक है आगे चलिए 36, निम्नलिखित नगरों में कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 36। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है। अच्छा आप लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं ना 35 में, ठीक है मैं इसका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर ले आऊंगा तब, ठीक है, फिर भी आप लोग इसका आंसर देते रहिए, मैं एग्जैक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, 36 बताइए क्या होगा, 36 क्या आंसर है, ठीक है बताइए बताइए बताइए। आगे चलिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ठीक है निम्नलिखित देशों विचार, ऑस्ट्रेलिया, नाबिया, ब्राजील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, बताइए इसका क्या होगा 37 का, ठीक है। तो इसका आंसर है कि मकर रेखा जो है इन सभी से होकर गुजरती है, ठीक है ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 38। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है बताइए क्या होगा, ऑप्शन है कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, बताइए क्या होगा, ठीक है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, इसका आंसर आप लोग बताइए। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, 39 बताइए क्या होगा, ठीक है हाँ सही है। चलिए आगे चलिए 40 क्वेश्चन देखिए, लास्ट है इस चैप्टर का, अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करूंगा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच समान विभाजित करता है, किसको किसको, तो इसका आंसर है क्या आपका अमेरिका और कनाडा, ठीक है। जैसे आपके 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको किसको डिवाइड करता है, तो अंडमान और निकोबार को, अंडमान ऐसे है यहाँ पे ऐसे निकोबार है, तो इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आते हैं ऐसे ही, ठीक है ऐसे ही उनको अलग करता है। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है अच्छा कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और ये 35 वाले में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये ध्रुव नहीं होगा भूमध्य रेखा होगा, भाई हम ही बात कर रहे हैं ना इस पे कि समानांतर बराबर होता है तो भूमध्य हो जाएगा। हाँ आप लोग ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है, ठीक है कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस बुक्स में भी देखते हैं, ठीक है इसको मैंने खैर कराया भी था लेकिन फिर भी कुछ देखते हैं। देखिए कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है इसका आपको आंसर देना है कि कर्क रेखा किस नहीं होकर गुजरती है, बताइए किससे किससे नहीं गुजरती है, तो मिस्र से, भारत से, म्यांमार से,
देखिए मिस्र से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, आपको पता है भारत के 8 राज्यों से इवन होकर गुजरती है, म्यांमार से भी होकर गुजरती है, ईरान से होकर नहीं गुजरती, और ईरान का जो कैपिटल है क्या है, तेहरान है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फिर हम आपके कुछ और क्वेश्चंस इसमें देख लीजिए, आपको आंसर देने आप दे सकते हैं, मैं आपके पीछे पीछे आंसर दे लूँगा, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, बात कर रहा है कि ए और ए लाइन कहाँ मीट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर अटलांटिक महासागर में। ठीक है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, भाई देखिए वार्षिक तापांतर अभी जिस पे बात की जा रही है दिन रात बराबर होता है, वार्षिक तापांतर मतलब यही तो रेखा है जहां पे सूर्य की रेखा बराबर पड़ती है तो तापांतर बराबर होगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा इसका अंदर तीसरा का ए। ठीक है, तो किस स्थान पर मानक समय रेखा निर्धारित करने का आधार होता है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, भाई हम जीएमटी से पता करते हैं ना, जीएमटी से आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्या है जितना है हम डिस्कस कर लेते हैं इसी बहाने, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। भाई देखिए यहां पर का क्या है, 0 डिग्री देशांतर, इसी के जस्ट पीछे क्या होता है 180, कौन होता है 180, जिससे क्या पता करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको तिथि रेखा भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री देशांतर और तिथि रेखा मिलकर बृहद वृत्त का निर्माण करता है 180। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ, देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों इनके किस महाद्वीप में से गुजरती हैं, अफ्रीका, उत्तरी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन नहीं, अब लगभग हो चुका है कंप्लीट इस चैप्टर से, अब रिलेटेड क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कहीं से आने वाले हैं, मैक्सिमम का आंसर आप लोगों ने सही भी बताया, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक फैक्ट है यहाँ पे, फैक्ट पढ़ सकते हैं, खैर इस फैक्ट के बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है आपको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर आगे आपको हम बताते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और लोगों तक था शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।